हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वैलिड डिस्प्ले इंस्टॉल फेल या नहीं तो कुल नॉट इंस्टॉल। इस तरह का एरर आता है विंडो 11 के अंदर, तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए बहुत सा तरीका है, इनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको फिक्स करना है। सबसे पहले तरीका के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं। यदि नहीं कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे आप सबसे पहले नेट कनेक्ट कर लीजिएगा, यदि वाईफाई होगा तो वाईफाई कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा तो आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि आपके केस में इंटरनेट नहीं होगा तो इंस्टॉल नहीं होगा तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, दूसरा तरीका करना है। दूसरा तरीका के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा नेटवर्क इंटरनेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा यहाँ पे इथरनेट होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेटेड कनेक्शन। आपको क्या करना है, यदि आपके केस में यहाँ पे ऑन है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, यदि आपके केस में वायरलेस होगा यानी वायरलेस आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको वायरलेस नेटवर्क दिखेगा, उसके ऊपर भी क्लिक करके आपको सेम चीज आपको चेक कर लेना है। वहाँ पे ऑन होगा तो उसको भी आपको ऑफ कर देना है। इसको ऑफ करने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो प्रॉब्लम आ रहा था या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, तीसरा तरीका करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टैप कर देना इंटरनेट, इंटरनेट टैप करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा पहला ऑप्शन है इंटरनेट ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में यूजर TLS 1.2 यहाँ पे टिक मार्क नहीं होगा, इस तरह से अनटिक होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको टिक मार्क कर देना। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, चौथा तरीका ट्राई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टैप कर देना CMD, CMD टैप करते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसा टाइप करना एग्जैक्ट वैसा ही टाइप कर लीजिएगा। जो लेटर कैपिटल है वो कैपिटल में टाइप कीजिएगा, जो लेटर स्मॉल है उसको आप स्मॉल में टाइप कीजिएगा। यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा जैसा मैंने टाइप किया, एग्जैक्ट वैसा ही आप टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे कमांड रन हो जाएगा और यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वहाँ पे आपको एक कमांड दिख जाएगा, उस कमांड को आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए दो तरीका है, एक तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा, इसके बाद एडिट पे जाइएगा, इसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट करके पेस्ट कर सकते हैं। या नहीं तो आपको दूसरा तरीका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, माउस का कर्सर यहाँ पे आपको रखना है। इसके बाद माउस का राइट बटन आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से यहाँ पे ये वाला कमांड आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना। इंटर करते हैं इस तरह से ये कमांड रन हो जाएगा। रन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 100% कम्प्लीट होने तक यहाँ पे आपको वेट करना है। 100% कम्प्लीट होने के बाद यहाँ पे आके कर्सर रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को आप जरूर रीस्टार्ट कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को जरूर आपको रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट होने के बाद आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था यह प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पे आप यहाँ पे इंस्टॉल करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके केस में ये इंस्टॉल हो जाएगा इस तरह से। और आपका जो ये इंस्टॉलेशन का एरर आ रहा था, फेल हो रहा था, और कुल नॉट इंस्टॉल का जो एरर आ रहा था ये सॉल्व हो गया होगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।